ये देखें हर तरफ अब तो फिंचीज ही फिंचीज नजर आ रही हैं, माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हैं। ये देखें गाइस, हमारा तो ये जो केज है अब फुल हो गया है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो गाइस कल भी हम कॉकटल का जोड़ा एक लेके आए थे, तो आज एक और गुड न्यूज़ है आपको भी बताता हूँ। तो चलिए सबसे पहले ये देखें, हमने ये पिंजरा भी खाली कर दिया और ये पिंजरा भी खाली कर दिया, ये दोनों पिंजरे अब खाली हैं बिल्कुल भी। तो जो हमारे कॉकटल पैरट थे वो हमने इधर कर दिए, ये देखें माशाल्लाह। तो इनको एक और नई बात, इनको बॉक्स भी लगा दिया है, इनका बेबी भी हेल्दी है, खुद भी हेल्दी हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो इसी तरह ये हमारे ऑस्ट्रेलियन, तो इसी तरह अब चलते हैं हमारे मास्टर की तरफ। वो मादा बैठी हुई है अंडों पर, तो इधर भी मादा अंडों पर बैठी हुई है। और गाइज ये देखिए हमारे जो अमेरिकन लगता है वो भी इधर है, मादी अंडों पर बैठी हुई है, एक दो दिन के अंदर अंदर वो चिक्स निकाल लेगी, वो भी मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा। तो गाइज ये देखें, ये हमारा जो है ये एक ही रह गया है, इसकी जो मादा थी वो मैंने सेल कर दी किंग की, अब सिर्फ एक नर है और एक बच्चा है। तो किसी दोस्त ने मांगा है मुझसे कि यार ये जो बच्चा है ना ये मुझे सेल कर दे या गिफ्ट कर दे, तो दो चार दिन के बाद हम ये भी उसे दे देंगे, फ्री में दे देंगे, गिफ्ट कर देंगे। और ये जो किंग कबूतर है ये भी हम या फिर सेल कर देंगे या फिर किसी को गिफ्ट कर देंगे। तो हमारे पास रह जाएगा एक ये नर और वो एक मादा, तो हमारे पास ये दो चीज़ें ही रहेंगी, यानी कि एक पेयर ही रहेगा अमेरिकन लक्के का। ये देखें ये कितने खुश हो रहे हैं, ये देखें ये बहुत खुश हो रहे हैं, पता नहीं किस बात की खुशी है, किस बात की खुशी है आपको, यार मुझे भी बता दो मैं भी खुश हो जाऊं। तो हमारे पास गाइस एक ही रह जाएगा दोस्तों, एक पेयर ही रह जाएगा अमेरिकन लक्के का। तो कोशिश करूँगा कि दो चार हफ्ते के अंदर अंदर मैं एक किंग कबूतर का जोड़ा या फिर जैगोबीर का जोड़ा ले आऊँगा, वो भी आपको दिखाऊँगा, कोशिश करूँगा बहुत जल्दी। तो जिस वजह से वीडियो बनाने का मकसद था, जो आपको गुड न्यूज़ देनी थी, तो चलिए चलते हैं हम उस जानब। तो गाइस ये देखें, मैं कम से कम 12 से 13 पेयर लेके आया फिंचीज के, आपको नीचे से करके दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, जो हमारी फिंचीज बाहर पड़ी हुई थी वो भी मैंने अलहदा अलहदा पिंजरे में पड़ी हुई थी, वो भी मैंने इसी पिंजरे में कर दी, जो इस पिंजरे में कॉकटल का पेयर था या फिर हमारी जो चाइना डव थी, चाइना डव हमने सेल कर दी, और हमारा जो कॉकटल का पेयर इसमें था वो हमने यहाँ नीचे कर दिया। तो हमने अपनी जो फिंचीज़ है इसमें डाल दी। ये देखें ये कम से कम 12 से 13 पेयर मैं लेके आया था, तीन पेयर हमारे घर थे, तो 12 और 16-17 पेयर बन गए हमारे, बहुत प्यारे माशाल्लाह लग रहे हैं। आपको नज़दीक से सारी फिंचीज़ दिखाता हूँ, ये देखें हर तरफ अब तो फिंचीज ही फिंचीज नज़र आ रही हैं, माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हैं। ये देखें गाइस, हमारा तो ये जो केज है अब फुल हो गया है, हमने इनको मटकी भी रख दी है, एक दो तीन और चार, चार मटकियां रख दी हैं इनको। तो उम्मीद है कि ये ब्रीड स्टार्ट कर लेंगी, ये तो इनकी मेहरबानी होगी अगर ब्रीड स्टार्ट कर लेंगी। तो एक भाई ने मुझे ये भी दिया था, ये देखें कि यार ये वाटर वाला पानी वाला भी रखें इसको, मुझे नहीं पता इसे क्या कहते हैं, फ्री में दिया था मैंने, लाकर इनको रख दिया। और एक दोस्त ने मुझे इनकी ये दी थी, ये देखें, उसने बोला था कि अपनी फिंचिस को, कॉकटल को, सबको ये डालो यार, इससे बहुत अच्छी ब्रीड करती हैं, इससे हेल्दी भी रहती हैं, इनका जो हेल्थ है उन पर प्रॉब्लम नहीं आती, बीमार नहीं होती। ये देख लें, ये उस भाई ने मुझे दी थी और इसे मैंने आज डाला भी है, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये देखें इनको डाला हुआ है,
पता नहीं अब खाया भी है इन्होंने कि नहीं। तो इस तरफ से भी आपको दिखाता हूँ हमारी फिंचिस जो हैं, ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हैं। ये हमारा केज फुल हो गया है, ये माशाल्लाह हर तरफ हमारी फिंचिस ही फिंचिस नज़र आ रही हैं। कुछ इसमें महंगे वाली हैं, कुछ सस्ते वाली हैं, तो मैंने एक ही केज में सबको कर दिया। ये देखें माशाल्लाह ये हमारा केज फुल हो गया, यानी कि हमारी ये एक कलोनी बन चुकी है। ये देखें हमारी मुकम्मल एक कलोनी बन गई है ये। तो आपको हमारी फिंचिस का सेटअप कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी फिंचिस का सेटअप अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके अपने कमेंट का इजहार ज़रूर दें। यार हमें भी सब्सक्राइब कर लें, आपकी मेहरबानी होगी। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया है तो आपकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी। तो आज के लिए बस इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको सेहतयाब रखे, अपने आपके परिंदों को भी सेहतयाब रखे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।